हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रीमी दही चिकन। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको घर में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रीमी है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ग्रेवी को क्रीमी बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। फिर चिकन को मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। यह हमारा मैरिनेशन अब हो चुका है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े प्याज कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्च और गोटा गरम मसाला, 2 टमाटर की प्यूरी। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। जब हमारा ऑयल गरम हो जाए उसमें डालेंगे गोटा गरम मसाला। उसके बाद उसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल देंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट को थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। अब हम मसाले में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे। अब हमारा मसाला पक चुका है पूरी तरह से। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अब हमें चिकन को मसालों में मिला लेना है अच्छी तरह से। अब हम चिकन में नमक डालेंगे। अब हमारा चिकन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। अब हमारा ग्रेवी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब हमारा क्रीमी दही चिकन रेडी हो गया है। आखिर में हम चिकन में थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।